लव यू सलमान खान, और मैं सलमान खान के लिए मैंने बहुत फाइट किया, थैंक्स टू जूरी के सलमान खान। आपके फेवरेट एक्टर सलमान खान पे इतना बड़ा पहाड़ टूट गया था हाल ही में, दैट इज वेरी सैड। बहुत से लोगों ने प्रे किया। आई लव यू सलमान खान, और मैं सलमान खान के लिए मैंने बहुत फाइट किया, थैंक्स टू जूरी के सलमान खान को सजा नहीं हुई, बिकॉज सलमान खान का कोई कसूर नहीं था, बिकॉज सलमान खान के पास इतने पैसे हैं, ही इज़ अ बिग स्टार, तो उनको जानबूझ के कोर्ट में घसीटा जाता है और उनको सज़ा बार बार सुनाई जाती ताकि उछाला जाता, मीडिया में उछाले और बड़ा नाम हो इन लोगों का, तो और उनके घर में बड़ी बड़ी बैगें पहुंच जाएं, यू अंडरस्टैंड, पैसे पहुंच जाए। आई थिंक दे आर यूजिंग सलमान खान, और सलमान खान का कोई कसूर नहीं है, उनके ड्राइवर का कसूर था, तो आई थिंक उनके ड्राइवर को अंदर जाना चाहिए। जानबूझ के आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। अगर सलमान खान को जेल हो जाती तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होता। हाँ, अगर सलमान खान ने कोई प्लेन क्रैश किया होता या बिल्डिंग क्रैश किया होता या बॉम्ब ब्लास्ट किया होता तो हम उनके खिलाफ नहीं, मतलब हम खुद सपोर्ट करते हैं कानून को, बट उन्होंने आई डोंट थिंक सो किसी गरीब को कुचला है, उनके ड्राइवर ने पी पा के कुचला है। सलमान खान का कोई कसूर नहीं, बिकॉज सलमान खान इज़ अ सेलिब्रिटी, वो इन्वॉल्व थे, इसलिए उनको नाम घसीटा गया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोर सके, ये उन्होंने कांड किया है। मतलब मैं आप समझ रहे हो जी, मैं किसकी बात कर रही हूँ, सलमान खान इज टोटली इनोसेंट। दैट्स इट, राखी, हमसे बात में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।